आज हम सीखेंगे दोहरी लाइन पर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग होने पर गाड़ियों का संचालन। आज की क्लास के मुख्य हेतु हैं, संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग होना कब माना जाएगा। संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग होने पर स्टेशन मास्टर, लोको पायलट तथा गार्ड द्वारा ली जाने वाली सावधानियां तथा दिए जाने वाले प्राधिकार पत्र। और अंत में हम देखेंगे संचार के साधन उपलब्ध हो जाने पर पुनः लाइन क्लियर लेने देने से पहले ली जाने वाली सावधानियां। तो आइए सर्वप्रथम हम देखते हैं संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग होना कब माना जाएगा। दोहरी लाइन स्टेशन पर जब दो स्टेशनों के बीच संचार के साधनों द्वारा, जो कि प्राथमिकता के क्रम से स्क्रीन पर दिखाए गए हैं, उनमें से किसी भी साधन से लाइन क्लियर प्राप्त न हो सके, तो संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग होना माना जाएगा। आइए अब हम देखते हैं संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग होने पर स्टेशन मास्टर, लोको पायलट तथा गार्ड द्वारा ली जाने वाली सावधानियां व दिए जाने वाले प्राधिकार पत्र। ये है लहविट स्टेशन के स्टेशन मास्टर श्री परेश तिवारी। इन्होंने जब 11071 कामायनी एक्सप्रेस के लिए देवलाली स्टेशन से लाइन क्लियर हेतु संचार के साधन, जो कि प्राथमिकता के आधार पर स्क्रीन पर दिए गए हैं, उन साधनों द्वारा प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन वे विफल रहे। स्टेशन मास्टर तिवारी साहब ने 11071 के चालक तथा गार्ड को परिस्थिति की जानकारी दी। चालक को TC602 प्राधिकार पत्र दिया गया। TC602 प्राधिकार पत्र के तीन भाग होते हैं। स्क्रीन पर ये तीन भाग दिखाए गए हैं। बिना लाइन क्लियर का प्रस्थान प्राधिकार, सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने का अधिकार, सतर्कता आदेश जिसमें गाड़ी की अधिकतम गति, दृश्यता साफ होने पर 25 किलोमीटर प्रति घंटा, दृश्यता साफ न होने पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा, जहां पर आगे की ओर स्पष्ट दिखाई न पड़े तो चालक आगे की ओर चौकसी रखेगा तथा पथ प्रदर्शन हेतु हाथ सिग्नल के साथ किसी रेल कर्मचारी को भेजा जाएगा। यदि रास्ते में सुरंग पड़ती हो तो उसमें प्रवेश तभी करना चाहिए जब यह निश्चित हो जाए कि सुरंग खाली है। यदि आशंका हो तो गाड़ी को पायलट करना चाहिए। सुरंग में प्रवेश करने से पहले हेडलाइट, टेल लैंप जला देना चाहिए। यदि दुर्घटना, खराबी या अन्य कारणों से गाड़ी सेक्शन में खड़ी हो जाती है तो गार्ड तुरंत पीछे की ओर खतरा हाथ सिग्नल दिखाएगा और सुनिश्चित करेगा कि टेल लैंप, टेल बोर्ड सही तरह से है। गाड़ी का बचाव 250 10 मीटर पर 3 पटाखे लगाकर किया जाएगा। गाड़ी को किसी भी परिस्थिति में पीछे नहीं लिया जाएगा, लेकिन असामान्य परिस्थिति में गाड़ी को पीछे लेना अपरिहार्य हो जाए तो पहले उस स्थान जहां तक गाड़ी को पीछे ढकेला जाना है वहां से 250 10 मीटर पर 3 पटाखे लगाकर बचाव किया जाएगा। उसके पश्चात गाड़ी को पीछे ढकेला जाएगा। अगले स्टेशन के प्रथम रोक सिग्नल पर चालक गाड़ी रोक देगा और लगातार लंबी सीटी बजाएगा। यदि 10 मिनट तक सिग्नल ऑफ न हो और न ही कोई कर्मचारी प्राधिकार पत्र लेकर आए तो गार्ड गाड़ी का पीछे से 250 10 मीटर पर 3 पटाखे लगाकर बचाव करेगा। चालक अपने सहायक चालक को पास के केबिन पर या स्टेशन पर यह सूचित करने के लिए भेजेगा कि गाड़ी स्टेशन में प्रवेश करने के लिए सिग्नल की प्रतीक्षा कर रही है। स्टेशन मास्टर आगमन सिग्नल को ऑफ करके गाड़ियों को स्टेशन पर लेगा।
स्टेशन पर आने के बाद चालक TC602 प्राधिकार पत्र स्टेशन मास्टर को सौंप देगा। ऑल कम्युनिकेशन फेल होने के दौरान सभी गाड़ियों को 30 मिनट के अंतराल से चलाया जाएगा। प्रत्येक गाड़ी के चालक को स्टेशन मास्टर TC602 प्राधिकार पत्र देगा। सभी गाड़ियों की गति दृश्यता साफ होने पर 25 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। दृश्यता साफ न होने पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। चालक को दिए जाने वाले TC602 प्राधिकार पत्र पर 30 मिनट पहले गई तथा 30 मिनट के बाद रवाना होने वाली गाड़ी का विवरण लिखा जाएगा। ऐसा संचालन तब तक जारी रहेगा जब तक कोई एक संचार साधन उपलब्ध न हो जाए। आइए अब हम देखते हैं संचार के साधन उपलब्ध हो जाने पर लाइन क्लियर लेने देने से पहले ली जाने वाली सावधानियां। जब संचार के साधनों में से कोई एक साधन शुरू हो जाए तो स्टेशन मास्टर दूसरी ओर के स्टेशन मास्टर के साथ रवाना की गई तथा आई हुई गाड़ियों के विवरण के संबंध में प्राइवेट नंबर के आदान प्रदान के साथ संदेश जारी करेगा। जब तक दोनों ओर के स्टेशन मास्टर इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि उनके स्टेशन से छूटने वाली गाड़ियां दूसरी ओर के स्टेशन पर पहुंच गई हैं, तब तक उन्हें लाइन क्लियर पुनः चालू किए गए संचार साधनों पर न तो दिया जाएगा और न ही लिया जाएगा। संचार के साधनों के पुनः चालू हो जाने के बाद स्टेशन पर गाड़ियां संपूर्ण आ जाएं तो उनकी संख्या और आगमन समय की सूचना प्राइवेट नंबर के आदान प्रदान के साथ दी जाएगी। दोनों ओर के स्टेशन मास्टर TI-602 फॉर्म भरेंगे। खंड नियंत्रक को सूचना दी जाएगी और गाड़ियों का सामान्य संचालन शुरू किया जाएगा। परिवहन निरीक्षक इससे संबंधित रिकॉर्ड की जांच करेंगे तथा अपनी रिपोर्ट 7 दिन में DRM को भेजेंगे। धन्यवाद।